हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज दिन है मंडे का और मंडे की मॉर्निंग के बज रहे हैं 11:30 और मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है हमारा, आज मेरा है अहोई अष्टमी का व्रत, तो मैंने ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ। तो अष्टमी में क्या होता है, कैसे करते हैं हम पूजा अर्चना और कैसे बनाते हैं आज का मैं पूजा मंचने का और भोग। आप लोग भी सोचते होंगे रोज़ तो ये पूजा करती है, रोज़ तो इनके घर में व्रत रहता है, कैसे रहता है, लेकिन है तो क्या करना तो है ही नहीं। मेरे घर में होता है तो मैं करके आपको दिखा रही हूँ, नहीं होता तो मैं नहीं दिखाती। तो आप इसके लिए बोर मत होइएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ 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 इंजॉय करिएगा। इसको नेगेटिव ही ना मत लीजिएगा, इसको पॉजिटिव ही लीजिएगा कि हाँ दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के हिसाब से और नियम के हिसाब से चलना है। तो आज मैंने पहनी है बिल्कुल सिंपल सी और हल्की सी ये साड़ी, क्योंकि इसमें क्या है कि नहीं है और इसमें क्या है कि हमें काम भी करने हैं तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है बहुत ही हल्की सी जॉर्जेट की साड़ी है, काफ़ी पुरानी है, मेरी मदर इन लॉ ने दी थी, तब से ये मैं पहनती हूँ। मैं बहुत कम पहनती हूँ वैसे, लेकिन पहनती हूँ पूजा पाठ में और उसमें पहनती हूँ। तो चलिए आज का अहोई अष्टमी का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में, तो आप इंजॉय करिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप सबको मिलते रहे, आप इंजॉय करें और हमारा साथ आपका बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज बनेगा पपड़ी, जो कि मट्ठी की तरह ही बनती है, मैदा हमने मल के रख दी है, और बनेंगे गुन्हे। गुन्हे बनेंगे मीठे वाले, जो पहले भी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, पहले भी स्टीच के ब्लॉग में मैंने शेयर किया था। तो गुन्हे कैसे बनते हैं, वो दोनों का आटा मैंने लगा करके रेस्ट पे रख दिया है और सब्जियाँ भी मैंने कट कर ली हैं। सब्जियों में मैं बनाऊँगी आज खाने में आलू गोभी की सूखी सब्जी और मटर आलू टमाटर की रसीली सब्जी और कचौड़ियाँ। तो इतना मैं मुझे बनाना है, बनाते बनाते मुझे शाम हो जाएगी, क्योंकि शाम को जब तारे वो निकलेंगे, चंद्रमा निकलेगा, तो मुझे तारों को अर्घ देना है और करना है अहोई अष्टमी का व्रत पूजन विधि विधान से और कथा करनी है। और इसमें क्या होता है, एक कलश रखा जाता है जिसमें झारी का पानी बोलते हैं। ये हमारे यहाँ दिवाली जो होती है, छोटी दिवाली वाले दिन, नरक चौदस वाले दिन, उस पानी से सभी लोग नहाते हैं, तो उससे क्या होता है रोग जो भी होता है सब चला जाता है। तो ऐसी मान्यता है, वैसे ही हम लोग करते हैं और मदर इन लॉ करती थी तो मैंने देखा है, तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना लेट किए हुए, बातें कम काम ज़्यादा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग में। तो ये है पपड़ी का मैदा मैंने लगाया था और ये है गुन्हे का मैदा, क्योंकि मैंने चीनी से लगाया है, चीनी और आटा है। इसमें आधी कटोरी मैदा लिया था, आधी कटोरी मैंने गेहूँ का आटा लिया था, दोनों को छान लिया था एक साथ। उसके बाद इसमें मैंने डाला था मोहन डालने के बाद इसमें चीनी घोल करके उससे हमने मलाया, तो मल करके मैंने रख दिया है। ज़्यादा सख्त भी नहीं है, ज़्यादा नरम भी नहीं है, और इसको करीब आधा घंटे से ज़्यादा हो गया रेस्ट पे। तो और ये मैदा है, तो मैं मैदे की पतली पतली सी छोटी छोटी सी पपड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि पूजा वगैरह में चढ़ती हैं और मनसी भी जाती हैं। आज अष्टमी का व्रत है, अहोई अष्टमी का, तो 8 मठियाँ हमें मनसनी है, तो 8 मठियाँ हमें मनसनी है, बाकी हमें लोटे पे भी रखनी है, हमें ग्लास में भर के रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी छोटी छोटी सी हम लोहियाँ बनाएंगे, जितनी बड़ी हमें पपड़ियाँ बनानी है। आँच पे चढ़ने की इधर मैं एक तरफ गैस पे कढ़ाई भी रख देंगे और घी गरम करके रख देंगे। तो ये मैं डाले में बना रही हूँ, तो डाले में अच्छी बनती है नमकीन, अगर आप मट्ठी वगैरह बनाएंगे तो। जब तक ये थोड़ा सा गर्म होगा घी, जब तक हम अपनी पपड़ियाँ बना लेंगे। पपड़ियाँ हमें बिल्कुल छोटी छोटी सी चाहिए, जितनी छोटी होती है उतनी अच्छी लगती है। Thank you.
अपनी सारी पपड़ियों को बना लेंगे और फिर हम इसी बांच में इसको तलेंगे। तो अभी हमारा घी थोड़ा सा गर्म नहीं हुआ है, वरना ये मैं डाल देती हूँ। तो इसको डालने से पहले इसको हम थोड़ा सा गोद लेंगे इस तरह से। तो इन पपड़ियों को हम इस तरह से चक्कू से गोद लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो पूरी की तरह फूलेंगी नहीं और ये अच्छे से बन जाएगी, इसमें एयर निकलेगी। मेरी मम्मी तो बना करके आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे डाल देती थी, जब सूख जाती थी तब बना देती, तब कर देती थी। उसे बहुत करारी सी और अच्छी सी बनती है। इस तरह से हम सभी को बोल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सूत भी बना लिए हैं गुने। तो ये एक्चुअली ये फ्राई होने के बाद ना इनके पत्ते पत्ते से लंबे लंबे से करके उनको चक्कू से मैंने काट लिया था। एक्चुअली वो वीडियो मैंने शूट किया था, वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया गलती से। क्या हुआ? रोटी, ये रोटी नहीं है बेटा, ये प्रसाद बन रहा है। पूजा पूजा खाई। ओके अभी देते हैं। तो ये देखिए हमारे गोल्डन हो चुके हैं, इनको थोड़ी देर और पकाएंगे क्योंकि ये थोड़े से मोटे हैं ना, तो इनको अच्छे से। ये देखिए गुने भी हो गए हैं, तो इनको भी फटाफट से हम निकाल देते हैं। बहुत क्रंची हो जाते हैं ये पकने के बाद। ये हमारे गुने भी बन गए हैं, इनको हमें पागने हैं गुड़ में। तो चलिए आटा भी मल करके रख देते हैं। आटा मल के रख दीजिए ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसको आटा मलने में मैं हींग डालूंगी, नमक हल्का सा, और हल्का टाइट आटा मल करके मैं रस पे रख दूंगी। तो बहुत अच्छी सी हींग की स्मेल भी आती है, जैसे कचौड़ियों में आती है, तो बहुत अच्छा सा पूरी कचौड़ी उतरती है। तो चलिए मल करके तब मिलते हैं। तो चलिए सब्जी भी छौंक देते हैं। तो आलू और गोभी की सब्जी छौंक देते हैं। इसके लिए मैंने चॉप कर लिया है अदरक और ग्रीन चिली, मैं इसी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अदरक जरूर डालनी चाहिए गोभी में, क्योंकि इसकी जो बारीकपन है वो मिट जाता है। तो मैं इसमें बनाऊँ क्योंकि मेरे यहाँ सभी घुटी हुई गोभी खाते हैं, पीसेस में दिखेगी तो कोई नहीं खाएगा। तो आलू और गोभी घुटी हुई सब्जी सूखी बनाएंगे, और आलू मटर टमाटर की रस की सब्जी बनाएंगे और कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो चलिए सब्जी छौंक देते हैं। जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, और डाल देंगे ये हम अदरक और मिर्ची का थोड़ा सा पेस्ट, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि आधा मुझे रस्सी की सब्जी भी यूज करना है। दो हरे मिर्च और डालेंगे और चॉप कर लेंगे चॉपर में। तो ये रसी की सब्जी भी मैं छौंक दूंगी। तो बस पूजा की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं और साढ़े छः तक मैं पूजा भी कर लूँगी, क्योंकि तारों को अर्घ देते हैं, तारों की पूजा करते हैं। तो कथा वगैरह पढ़ने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तारे भी निकल आएंगे। तो इसे एक क्रीम चिली भी डाल दी है और अदरक है। सो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, तारे निकलने का वक्त हो गया है, टाइम हो रहा है करीब 6 बज रहा है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए मैंने ये जो पूजा बनाई थी वो है, और पपड़ियाँ हैं, और ये पूजा का वो है, और ऊपर हम रखेंगे लोटा झारी का। तो वो कैसे रखते हैं वो मैं बताऊँगी अभी आपको, दिखाती हूँ। तारे निकल आए, लो तारे भी निकल आए, तो जल्दी से हम पूजा कर लेते हैं और फिर व्रत भी खोलते हैं। तो चारों को अर्घ देते हैं। हाँ चलते हैं, इन बच्चों को जाना है आज रामायण देखने,
तो आज रावण दिखाना है क्योंकि आज चौक में रावण फूकेगा जहाँ रामायण हो रही थी। तो चलिए फटाफट से हम पूजा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दो मैंने झारी के पानी के लोटे रख दिए हैं भर के, इसको कलश और इस पे हम पपड़ी और थोड़े से अच्छे चावल रोली और फूल छिड़क करके हम इसमें पापड़ी और दो पपड़ी और ये अष्टमी है तो 8-8 गुने मैंने चढ़ा दिए हैं और इस तरह से हम ये झारी का पानी रख दिए हैं। अब हम कर लेते हैं अहोई अष्टमी की पूजा। तो अहोई अष्टमी की पूजा की कहानी है वो मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं आरती करूँगी और पूजा अर्चना करके फिर ये लड़कों का व्रत होता है तो पापा जी और इनकी टीका लगेगा और इनको प्रसाद मिलेगा और सभी बच्चों को हम प्रसाद भी देंगे। तो सभी बच्चे आकर के बैठ गए हैं सूर्यांशी और पूर्ति पूजा करने के लिए। तो चलिए पूजा स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी तैयारियां हो गई हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे थे किस तरह से पूजा कर रही हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स जब तक कि हम पूजा स्टार्ट कर देते हैं और पापा जी गए हैं थोड़ा सा प्रसाद लेने, तो जब तक वो प्रसाद लेकर आएंगे तब तक हम बाकी की पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो मैंने पहले जल छिड़क दिया है और फिर मैं रोली और चावल लगा रही हूँ और फूल वगैरह अर्पण कर रही हूँ और ये है पपड़ी और गुने, तो ये भी चढ़ा दूँगी और ये पूजा कर रहे हैं क्योंकि लड़कों की पूजा है तो लड़के करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग ब्राह्मण भी देखा है और अब हम आए हैं पूड़ी उतार रहे हैं। तो आ जाइए सभी लोग गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी खाइए। तो व्रत तो मैंने खोल ही लिया था प्रसाद खाकर और ये है आलू मटर टमाटर की सब्जी और ये हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो आ जाइए फटाफट से डिनर कर लीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे से न्यू से ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।